गुलाम हुसैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान। ये है न्यूज 21 राजस्थान की दैनिक पेशकश नागौर हेडलाइंस। चलिए देखते हैं आज के अंक की हेडलाइंस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए जारी किया वीडियो संदेश। बीते 21 दिनों के अनुशासित लॉकडाउन के लिए जताया देशवासियों का आभार। 3 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की गई है घोषणा। वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों से किया आग्रह। घर के बुजुर्गों का रखें ख्याल, सोशल डिस्टेंसिंग को करें मेंटेन, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पेय पदार्थों का करें अधिकाधिक सेवन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावता आइसोलेशन वार्ड में भर्ती सभी 6 व्यक्तियों को कार्मिक गोविंद एवं सिकंदर गौरी ने शपथ दिलाकर किया होम आइसोलेशन के लिए विदा। आज भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती पर देश भर में किया गया उन्हें याद। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के चलते लोगों ने घर पर ही पुष्प चढ़ा कर दी श्रद्धांजलि। राजस्थान कोरोना अपडेट, आज दोपहर 2:30 बजे तक मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 969। आज दोपहर तक जयपुर में 71 एवं झुंझुनू में 1 पॉजिटिव केस मिला। वहीं जिले में आज की सभी रिपोर्ट आई है नेगेटिव। गांव खबर के राजकीय विद्यालय में आइसोलेट किए गए 13 व्यक्तियों को किया गया होम आइसोलेट के लिए विदा। प्रभारी मनीराम ने बताया अभी 5 शेष व्यक्तियों को रखा जाएगा पूर्ण अवधि तक भर्ती। परबसर के पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया ने 33,000 मुख्यमंत्री राहत कोष एवं 33,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवा कर दिया कोरोना जंग में आर्थिक सहयोग। अखिल भारतीय कोली समाज के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत भाटी ने अनोखे तरीके से दी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि। शहर के सफाई कर्मियों को साफा एवं माला पहना कर बढ़ाया हौसला। नागौर पुलिस की अनूठी पहल, देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर पेंटिंग प्रेमियों के लिए रखी गई है प्रतियोगिता। ऑनलाइन व्हाट्सएप पर भेजी जा सकेगी पेंटिंग और हर उम्र के लिए रखी गई है ये प्रतियोगिता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं Twitter, Instagram और पब्लिक ऐप पर भी। हमें यूं ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।